गुड आफ्टरनून, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो जल्द से जल्द क्लास के साथ जुड़िए एंड आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा गया होगा। आपका वीकेंड या आपका रिपब्लिक डे, आपका हिमाचल डे अच्छे से मनाया होगा और अच्छे से नए रेजोल्यूशंस लिए होंगे। तो जल्द से जल्द क्लास के साथ जुड़िए ताकि हम अपना सेशन शुरू कर सकें। और एक क्वेश्चन पे डाउट था, वो मैं कंप्यूटर क्लास में क्लियर करूँगी, बट अब हम शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर, दैट इज़ योर क्रैश कोर्स, जो कि आपका प्रैक्टिस सेशन है। तो हम प्रैक्टिस सेशन को लेना शुरू कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे है, हिमाचल सेशन है। तो पहले देखते हैं स्क्रीन क्लियर है, जल्दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया, द एरियाज नोन एज वैली ऑफ हनी एंड मिल्क इज, किस क्षेत्र को शहद और दूध की घाटी के नाम से जाना जाता है? जल्द से जल्द आंसर दीजिए। किस घाटी को दूध और हनी के नाम से जाना जाता है? यस, वाटर डे भी था और हिमाचल डे भी था, जल्दी बताइए। बी, देखिए द एरिया नोन एज वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, हनी और मिल्क की घाटी किसे कहा जाता है? कुल्लू वैली को। तो वैली ऑफ गॉड्स इज नोन बाय द कुल्लू वैली, कुल्लू वैली को वैली ऑफ गॉड्स कहा जाता है। स्पीति वैली, स्पीति वैली को जो है ये स्पीति घाटी में है और कहा जाता है, जो स्पीति नदी पे है ये, ठीक है, स्पीति घाटी स्पीति नदी पे है और स्पीति नदी निकलती है कुंजुम से निकलती है और है किसकी ट्रिब्यूटरी? सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, जो खाब में जाकर सतलुज से मिलती है। लेकिन ये शुमडो में जाकर परछू नदी से भी कहाँ पे मिलती है? शुमडो में जाकर। और स्पीति नदी का सबसे हाईएस्ट टाउन या हाईएस्ट गांव कौन सा है? गेट गांव को बोलते हैं, गेट गांव, ठीक है, गेट गांव। और अगर देखा जाए लास्ट विलेज इज लॉसर, ठीक है। दून वैली जो है वो दो है, एक सिरमौर की वैली बोलते हैं क्यारदा दून, और एक वैली है आपकी सोलन की वैली। सोलन की वैली को, स्क्रून वैली को हम दून वैली भी बोलते हैं क्योंकि दैट इज फेमस फॉर योर टमाटोज। तो ये नहीं है, आंसर इज योर्स चंबा वैली। चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। चंबा घाटी में जो है एक मंकी वैली, इसको रावी वैली भी कहा जाता है, मंकी वैली, जो कि जब हम मणिमहेश जाते हैं तो हडसर और मणिमहेश के बीच में एक जगह आती है जिसको बोलते हैं बंदर वैली या मंकी वैली। चंबा को बनाने वाले थे साहिल वर्मन और चंबा की जो पुरानी राजधानी थी वो थी ब्रह्मपुर यानी भरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्क डियर फार्म इज लोकेटेड एट कंडा घाट, समर हिल, तारा देवी या कुफरी? जूम कर दो मैम, जूम किया है स्टूडेंट्स मैंने, चलिए अब क्लियर है, अब क्लियर है आपको, जल्दी बताइए अब क्लियर है। नाउ फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्क डियर फार्म इज लोकेटेड एट मस्क कस्तूरी मृग फार्म कहाँ पर है? कंडा घाट, कंडा घाट है कहाँ पे? शिमला कालका हाईवे जो आता है वहां पे, यानी सोलन के बीच में पड़ता है कंडा घाट, शोगी जो जगह है उसके आसपास है। इट्स बेसिकली कंडा घाट से आप चैल हिल स्टेशन पे जा सकते हो, तो कंडा घाट में यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो ये नहीं है। समर हिल, समर हिल इज फेमस फॉर योर HPU यूनिवर्सिटी, कहा जाता है जब महात्मा गांधी 1921 में आए थे तो वो शांति कुटीर में रहते, और शांति कुटीर कहाँ है? समर हिल में, तो ये नहीं है। तारा देवी इज फेमस फॉर पाइराइट, सबसे ज्यादा पाइराइट शिमला में कहाँ पे मिलता है? तारा देवी में, तो ये नहीं है। मस्क डियर कहाँ पे है? कुफरी, और कुफरी इज ऑल्सो फेमस फॉर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कुफरी में, और कुफरी इज फेमस फॉर मस्क डियर फार्म जो कि जूलॉजिकल पार्क है, उधर है आपका मस्क डियर फार्म यानी कस्तूरी मृग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके आगे, छेनी पास इज लोकेटेड एट, जल्दी बताइए छेनी पास जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू मंडी सोलन चंबा, जल्दी बताइए, कुल्लू मंडी सोलन चंबा।
खेनी पास कुल्लू में है, कुल्लू में चंद्रखेनी पास है, जलोड़ी पास है जो आपके आउटर एंड इनर सिराज को अलग करता है। मंडी और कुल्लू को अलग करने वाला, अगर हम देखें मंडी और कुल्लू को अलग करने वाला पास है दुलची पास, ठीक है। कुल्लू के अंदर जलोड़ी पास है, चंद्रखेनी पास है, कुंजुम पास है जो कुल्लू और स्पीति को अलग करता है। सोलन इज फेमस फॉर माउंट केरोल का टिब्बा जो है, दैट इज इन सोलन, तो ये नहीं है। आंसर इज चंबा में। खेनी पास जो है ये किसको अलग करता है, चुरा टू पांगी। चुरा से पांगी जाने के लिए कौन सा पास लेते हैं हम, आपका चंबा में है ये, और छेनी पास लिटरली जो कहाँ पे है, चुरा टू पांगी जो कहाँ पे पड़ता है, आपका चंबा में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैली ऑफ चंद्रभागा इज कॉल्ड एज पटन वैली, लिंगती वैली, चंद्रा वैली या कॉक्सर। अगर हम इन दोनों को लिंक करते हैं, चंद्रा वैली किस नदी पे है, चंद्रा नदी पे है, इसको रंगोली वैली भी बोला जाता है, और इसका जो गांव है फर्स्ट विलेज इज कॉल्ड कॉक्सर। चंद्रा घाटी का गांव कौन सा है, पहला गांव कौन सा है, कॉक्सर, तो ये नहीं है। पहला गांव ऑफ चंद्रा वैली जिसको रंगोली वैली भी बोलते हैं। लिंगती वैली जो कि कहाँ पे है, स्पीति में है, और कहाँ पे है, काजा, कहाँ पे है, काजा में। लिंगती वैली को बोला जाता है इट्स द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न साइड स्पीति और तिब्बत के पास पे पड़ती है, और ये लॉन्गेस्ट वैली है स्पीति की, सबसे लंबी वैली कौन सी है, लिंगती वैली। तो चंद्रभागा का पार्ट कौन सा होता है, पट्टन वैली। चंद्रभागा पार्ट इज बेसिकली अ पट्टन वैली जिसको हम क्या बोलते हैं, वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी। वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी किसको बोला जाता है, आपकी पट्टन वैली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे हैं, चलिए इसका आंसर बताइए, देखते हैं कितने आंसर देते हैं। हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, वी एस रमा देवी, प्रभा राव, लीला सेठ या सरोजनी नायडू, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की पहली गवर्नर, फीमेल गवर्नर कौन थी, लीला सेठ, प्रभा राव, आपकी वी एस रमा देवी या फिर सरोजनी नायडू। यस, पट्टन वैली, जल्दी बताइए। लीला सेठ आपकी, नाम बताना है, प्रभा राव, सरोजनी नायडू या वी एस रमा देवी। सी सी सी, यस द आंसर इज सी, दैट इज योर लीला सेठ वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्या है आंसर इसका, लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, नेक्स्ट, द बुक कांगड़ा पेंटिंग इज रिटन बाय, कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है, देवराज शर्मा, डी एन मजुमदार, एम एस रंधावा या नन ऑफ दीज। डी एन मजुमदार ने लिखी है हिमालयन पॉलियंडरी, हिमालयन पॉलियंडरी किसने लिखी है, डी एम मंजुमदार ने, देवराज शर्मा ने लिखी है हिमाचल अतीत वर्तमान जो है, ठीक है, हिमाचल अतीत वर्तमान ये किसने लिखी है आपकी, देवराज शर्मा, या हिमाचल परिचय किसने लिखी है, देवराज शर्मा। तो कांगड़ा पेंटिंग लिखी है एम एस रंधावा ने, किसने लिखी है, एम एस रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ इन द भागा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, भागा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है उसमें कौन सा त्योहार जो है सबसे ज्यादा मनाया जाता है आपका, आई थिंक स्क्रीन, मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन भागा वैली इज, भागा वैली को एक और नाम से जाना जाता, दैट इज कॉल्ड गारा वैली, ठीक है, कहाँ पे है, लाहौल स्पीति का पार्ट है, गारा वैली जो कि बारालाचा से लेकर डारचा तक फैली हुई है, ठीक है, डारचा तक। अब ये क्या है, गोची फेस्टिवल, फागुली, हल्दा या खेपा। तो अगर देखा जाए द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ गारा वैली या भागा वैली खेपा
ये फेस्टिवल और एक ये मनाया जाता है किन्नौर में, केपा फेस्टिवल। ठीक है, हालदा फेस्टिवल को एक तरह से न्यू ईयर फेस्टिवल भी बोलते हैं। लोसर और हालदा इज रिलेटेड टू सेम थिंग। और हालदा में क्या होता है कि जगह से लकड़ियां लाई जाती हैं और एक कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी से लाकर एक जगह जलाई जाती है। तो हालदा फेस्टिवल इज बेसिकली अ लाहौल स्पीति फेस्टिवल, तो ये नहीं है। फागुली फेस्टिवल जो है इसको फेस्टिवल ऑफ मास्क कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ मास्क, फेस्टिवल ऑफ मास्क। तीर्थन में भी मनाया जाता है, जाकी कुल्लू में, जो कि 13-14 फेब को अभी मनाया जा रहा है। फागुली फेस्टिवल रिलेटेड टू फाल्गुन है, जब फाल्गुन आता है वैसे ही फागुली फेस्टिवल है, जो किन्नौर में भी मनाया जाता है और कुल्लू में भी मनाया जाता है। इट्स द फेस्टिवल ऑफ मास्क। इसमें क्या होता है, किन्नौर के लोग जो हैं इसमें रावण की पिक पे पॉइंटेड एरोज मारते हैं। तो फागुली फेस्टिवल फाल्गुन का फेस्टिवल है, इसको फेस्टिवल ऑफ मास्क कहते हैं। तीर्थन कुल्लू में भी मनाया जाता है और किन्नौर में भी मनाया जाता है। तो मेन फेस्टिवल इज गोची फेस्टिवल। भागा वैली का सबसे फेमस फेस्टिवल है गोची फेस्टिवल, दैट इज द फेस्टिवल ऑफ सन। कि लाहौल स्पीति या भागा वैली में जिसके घर में लड़का होता है वहां पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो गोची फेस्टिवल इज रिलेटेड टू सन और ये कहाँ पे मनाया जाता है, भागा वैली में। तो इट्स आंसर इज गोची फेस्टिवल। मैम आप हिमाचल जीके को टॉपिक वाइज पढ़ाएं प्लीज। ओके रीमा चौहान, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस ट्रेड फेयर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का ट्रेड फेयर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का सबसे फेमस व्यापार मेला कौन सा है, पाटा फेयर, जारगा फेयर, लवी फेयर या रेणुका फेयर। अगर हम बात करें रेणुका फेयर की तो ये मनाया जाता है नाहन में। ये कहाँ पे मनाया जाता है, नाहन, जो कि कहाँ पे पड़ता है, सिरमौर में। जारगा फेयर कहाँ पे मनाया जाता है, दैट इज सेलिब्रेटेड इन सिरमौर, शिमला एंड महासू। यहाँ पे ज्यादातर महासू देवता की पूजा के लिए ये मनाया जाता है और जारगा मेला मनाया जाता है सिरमौर, शिमला एंड महासू। पाटा फेयर जो है दैट इज सेलिब्रेटेड इन भद्रवाह वैली, भद्रवाह वैली में मनाया जाता है, जो कि लाहौल में पड़ती है। भद्रवाह वैली में पाटा फेयर मनाया जाता है। अब फेमस कौन सा है आपका, लवी फेयर। सबसे पुराना फेयर हिमाचल का ट्रेड फेयर कौन सा है, लवी फेयर, जो किसके टाइम पे मनाया गया था। इट्स द ट्रीटी बिटवीन राजा केहरी सिंह किन्नौर के या रामपुर बुशहर के जो राजा थे केहरी सिंह और तिब्बत के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, उसकी खातिर ये लवी फेयर मनाया जाता है। और इसमें ज़्यादातर कहा जाता है जो चामुर्थी हॉर्सेज होते हैं उनका ट्रेड किया जाता है। तिब्बत से ये बहुत फेमस हॉर्सेज हैं जिनको किन्नौर और आपका रामपुर बुशहर में ज़्यादातर ये मनाया जाता है। बट इट्स द तिब्बत, हिंदुस्तान और तिब्बत के रिलेशंस। और जो रामपुर है दैट इज द गेटवे ऑफ, रामपुर इज द गेटवे फॉर किन्नौर एंड तिब्बत। रामपुर को गेटवे माना जाता है ट्राइबल एरिया, जो कि आपका किन्नौर और तिब्बत का एरिया पड़ता है। तो ये चीज याद रखना, लवी फेयर किसने शुरू किया था। और एक क्वेश्चन और है कि कितने साल पुराना है। अब ये है 400 साल पुराना, कई बुक्स में 300 दिए, बट अब अगर आज क्योंकि साल बढ़ते जा रहे हैं तो सालों के बढ़ने से ये कितना हो गया, 400 इयर्स ओल्ड फेस्टिवल है जो राजा केहरी सिंह ने शुरू किया था और आज तक ये प्रथा चलती आ रही है। तो ये है आपका लवी फेयर, जो कि अब नवंबर में मनाया जाता है। ठीक है, रेणुका फेयर में आपका नवंबर में ही मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला स्पीकर कौन सा था, यानी पहला अध्यक्ष कौन था। कृष्ण चंद्र वॉज द डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली इज कृष्ण चंद्र। और आज के कौन है, हंसराज। ठीक है, मिस्टर हंसराज, तो ये नहीं है। आज के कौन है, हंसराज। तो आपकी पहली ऑप्शन तो होगी इनकरेक्ट। एस चक्रवर्ती, एस चक्रवर्ती कौन थे,
एस चक्रवर्ती वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, और आज कौन है आपके, बंदारू दत्तात्रेय, तो ये नहीं है। एनसी मेहता, एनसी मेहता कौन थे आपके, फर्स्ट चीफ कमिश्नर प्रोविंस, तो ये कौन थे, एनसी मेहता, तो ये नहीं है। आंसर इज जयवंत राम वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, हिमाचल के पहले अध्यक्ष कौन थे, जयवंत राम, और आज कौन है, विपिन परमार, आप कौन है, आज जो है ये कौन सा है आपका, जयवंत राम। लवी फेयर इज, व्हाई इट इज कॉल्ड लवी फेयर, लवी फेयर जो है एक ओल्डेस्ट फेस्टिवल है, और कहा जाता था जब ये प्रथा शुरू की थी राजा केहरी सिंह ने, ये प्रथा जब शुरू की थी तो जो हिंदुस्तान तिब्बत के ये के, जब लड़ाई हुई थी ना हैंगरैंग वैली, जब तिब्बतियंस ने इनको दी थी, तो उस टाइम पे इस प्रथा को बनाने के लिए एक गुड रिलेशंस, लवी फेयर इज द, इसका मतलब ये है इट्स टू गिव द बेस्ट रिलेशंस बिटवीन रामपुर एज वेल एज फॉर द तिब्बत, क्योंकि राजा केहरी सिंह ने तिब्बत के लोगों की उस युद्ध में सबसे ज़्यादा साथ किसका दिया था, तिब्बतियंस का दिया था, तो तिब्बतियंस ने खुश होकर हैंगरैंग वैली दी थी, और उस रिलेशंस को स्थापित करने के लिए ये लवी फेयर सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं आपके, नाउ दिस इज योर हिस्ट्री सेशन। विच रूलर सेंट टू ऑफ हिज ब्रदर्स उलुग खान एंड नुसरत खान टू इन्वेड गुजरात, किस राजा ने, किस शासक ने अपने दो भाइयों उलुग खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद शाह। यस, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जब आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस खत्म हो गया था तब बने थे वो, जल्दी बताइए। जूम, लीजिए, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। विच रूलर सेंट टू ऑफ हिज ब्रदर्स उलुग खान एंड नुसरत खान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह, आपके सिकंदर लोधी या फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर भी कहा जाता था। ठीक है, तो इनके टाइम पे जो है नादिर शाह अब्दाली ने जो है तख्ते ताज जो था चुरा लिया था, और कोहिनूर हीरा, फिरोज शाह तुगलक जो है इट्स द जिसने यमुना द्वाब, और कहा जाता है कि इसने एक प्रथा शुरू की थी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फीमेल्स, फीमेल्स के बेटरमेंट के लिए इन्होंने एक प्रथा शुरू की थी, तो ये नहीं है। सिकंदर लोधी हमने किया है, लोधी डायनेस्टी का था, और इसने जो है गजे सिकंदरी मापने के लिए जमीन, और आगरा सिटी किसने बनाई है, सिकंदर लोधी ने, तो आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसको दाग एंड चेहरा के लिए भी जाना जाता है, और अगर देखा जाए मार्केट, सबसे अच्छे मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स किसने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी, और ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही आपके मीर कासिम जो थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने एक और प्रथा शुरू की थी जो कैश देने की, इक्ता प्रथा को खत्म किया था और कैश देने की प्रथा को शुरू किया था। What to know basic art? What is the meaning of word lovey? Ma'am, I want to know. Please clear out. क्या जानना चाहते हो? Lovey का मतलब क्या? It's the trade fair. Search कीजिए Google पे, आपको lovey का मतलब पता चल जाएगा. The Indian National Congress. इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्म्ड इन कलकत्ता बाय होम अमंग द फॉलोइंग, जो कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, द्वारकानाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर आपका प्रसन्न कुमार टैगोर, ऑल आर फ्रॉम टैगोर फैमिली, तो प्रसन्न कुमार टैगोर ने तो हिंदू कॉलेज को बोला जाता है, ठीक है, और द्वारकानाथ टैगोर जो है इन्होंने कहा जाता है आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी वो द्वारकानाथ ने बनाई, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी किसने बनाई थी, द्वारकानाथ ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्व बोधनी सभा इन, और इसके साथ इन्होंने किसको सपोर्ट किया था, राजा राम मोहन राय को, तो ये नहीं है। आंसर इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन को जो है फॉर्म किया था कलकत्ता में, जो बाद में 1885 में किसके साथ मर्ज होगी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्थापित की गई थी तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने के साथ आनंद मोहन बोस ने भी बनाई थी, दोनों ने मिलकर बनाई थी। तो ये जब बाद में किसके साथ मर्ज होगी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कब बनी थी, 1885 में। आपने चेक नहीं किया क्योंकि थंबनेल्स तो लग गए थे, आपने एक बार अपना पेज रिफ्रेश कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, माई ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो अगर देखा जाए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो लिखी है हमारी सर्वपल्ली राधा कृष्ण, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टीचर्स डे इनके नाम से मनाया जाता है, तो सर्वपल्ली राधा कृष्ण ने कौन सी बुक लिखी थी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज चाचा जी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी, आईजी कर देती हूँ, तो ये नहीं है, हिंद स्वराज, आंसर इज हिंद स्वराज, आंसर इज हिंद स्वराज इन गुजराती लैंग्वेज, ठीक है, आंसर इज हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रियोतवारी सेटलमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, एक सेकेंड, द रियोतवारी सेटलमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन विच प्रेजिडेंसी, रायतवारी सेटलमेंट जो है अंग्रेजों ने किस प्रेजिडेंसी में पेश की थी, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, असम, जल्दी बताइए। रायतवारी सिस्टम जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया था, दैट इज मद्रास, आपका बॉम्बे या असम, जल्दी बताइए किसने शुरू की थी और कब की थी। 1820 में हुई थी शुरू, ओहो 1820 में शुरू हुई थी, और उसके बाद जो है किसने शुरू की थी, थॉमस मुनरो ने, ठीक है। तो कहां पे शुरू हुई थी, बंगाल, मद्रास, या फिर आपका इसको मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ पे शुरू हुई थी आपकी, मद्रास में, और किसने शुरू की थी, थॉमस मुनरो ने, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अब ये बताइए, ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड कैम्सवॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस, लॉर्ड चेल्सवॉर्ड या कैम्सवॉर्ड की वाइसरॉयशिप के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी, रॉल्ट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए अगर कैम्सफोर्ड का टाइम देखें, माउंट कैम्सफोर्ड का, तो 1919 में हुआ था, तो आपका रॉल्ट एक्ट जिसको बोला जाता है नो वकील नो दलील नो अपील, ये 1919 में शुरू हुआ था, एंड इट इज नो स्टार्टेड बाय रॉल्ट इटसेल्फ, एंड इट इज नोन, इट वॉज नोन बाय द नेम ऑफ ब्लैक एक्ट, इसको क्या बोलते हैं, काला कानून भी बोलते थे, ब्लैक एक्ट भी बोलते थे। कब शुरू हुआ था, 1919 में शुरू हुआ था, जिसकी वजह से सारे मसेकर्स, आपका जलियांवाला कांड, सबसे पहला जलियांवाला कांड हुआ था, जलियांवाला कांड, खिलाफत मूवमेंट भी 1919 में शुरू हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले सपोर्ट किया था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तो भी ताकिश को जो है एक प्रॉपर सेटअप दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया था, ओमन अम्पायर को ख़त्म कर दिया था, ऑटमन अम्पायर को, तो जिसकी वजह से लोग जो है वो कहा जाता है खिलाफत में आ चुके थे, खलीफा जिसको बोलते हैं, खलीफा की सारी इम्पोर्टेंस ख़त्म कर दी गई थी, तो शौकत अली ब्रदर्स ने जो है आपकी खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी, तो ये नहीं है, ये भी 1919 में शुरू हुई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज द एजेंडा ऑफ जलियांवाला कांड एज वेल एज खिलाफत मूवमेंट, ये भी कब शुरू हुई थी, 1920 में शुरू हुई थी, ठीक है। किसने शुरू की थी, महात्मा गांधी ने, बट इसका एजेंडा किसने प्रूव किया था, लाला लाजपत राय ने, तो ये नहीं है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे 1919 में
ये सारे इवेंट्स हुए थे, तो इसलिए इसका नाम क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, काला कानून भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ठीक है। आज का सेशन जरूर देखना कंप्यूटर का, क्योंकि उसमें लास्ट में मैं आपको एक ब्रीफ एनालिसिस करके दिखाऊंगी कि हम कौन से टॉपिक्स हमने किए हैं और किस टॉपिक में से हर साल कौन से टॉपिक्स पे इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा देनी है, और उससे क्वेश्चंस बहुत आए हैं। वैसे तो JOM में वो सारे टच करते हैं, लेकिन हर सेशन से कितने कितने क्वेश्चंस आने की संभावना है, ठीक है। कचिन हिल्स मेक्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स, भूटान, म्यांमार, नेपाल। आपको जूम कर देती हूँ मैं, ज्योग्राफी सेशन है, ज्योग्राफी सेशन है ये। कचिन हिल्स मेक्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स, भूटान, म्यांमार, नेपाल, चाइना। चाइना और इंडिया की बाउंड्री लाइन को हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। अगर चाइना, इंडिया और भूटान को देखना है तो इंडिया और भूटान के लिए आपके पास जो है इट्स कॉल्ड जेगोन हिल्स, जेगोन हिल्स, जो कि कहाँ पे पड़ती है, वेस्ट बंगाल। इंडिया एंड भूटान को अलग करने के लिए जो बेसिक हिल्स हैं दैट इज कॉल्ड जेगोन बाउंड्री, और जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है। अगर हम बात करें आपकी इंडिया एंड नेपाल, तो ट्रीटी ऑफ सगोली जो है दैट सेपरेट्स इंडिया एंड नेपाल। चाइना की मैंने आपको बता दिया मैकमोहन, आंसर इज म्यांमार। कचिन हिल्स फॉल्स इन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार की बाउंड्री में क्या पड़ता है आपका, म्यान कचिन हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज नोन एज गेल्डन नाम गे लहत से, गेल्डन नाम लहत से कौन सी मिनिस्ट्री को बोला जाता है, गेल्डन नामगी लहाज से के नाम से कौन सी मठ या मोनेस्ट्री जानी जाती है, हेमिस मोनेस्ट्री, बॉमडिला मोनेस्ट्री, तवांग मोनेस्ट्री या नैम ड्रॉलिंग मिनिस्ट्रीज। तो नैम ड्रॉलिंग को नामग्याल भी बोलते हैं, और ये जो है आपकी ये पड़ती है कर्नाटका में, ठीक है। तो आपका ये कैंसिल, हेमिस मोनेस्ट्री जो है ये कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है लद्दाख में, एंड इट इज द हाइएस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है। तो ये नहीं है, बॉमडिला मोनेस्ट्री पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये नहीं है। आंसर इज तवांग मोनेस्ट्री, तवांग मोनेस्ट्री जो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है कहाँ पे है, आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, और इसी को जो है किसके नाम से जानते हैं, गेल्डन नामगे लहत से। जो आपकी ये है हेमिस मोनेस्ट्री, इसको सैमगे नामगल के नाम से जानते, पर आपका जो आंसर आना चाहिए गेल्डन नामगे, ये कहाँ पे है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, पर कौन सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, तवांग मोनेस्ट्री, आंसर इज तवांग मोनेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टाइम डिफरेंस बिटवीन द सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश एंड सौराष्ट्र ऑफ इंडिया। आपको पता है सबसे पहला सूर्य उदय कहाँ पे होता है, तो वो ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ईस्टर्न जो पार्ट हम बोलते हैं, ईस्ट ऑफ इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे सनराइज होता है, दैट इज इन डोंग विलेज। कौन सी विलेज है, डोंग विलेज में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, और सूर्य उदय कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट, वेस्ट में हमारे पड़ता है गुजरात। तो कितना टाइम डिफरेंस है सौराष्ट्र और उसमें, एक घंटा 30 मिनट्स, दो घंटे 30 मिनट्स, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली जो है दैट इज 2 आवर्स। डोंग विलेज कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश की डोंग विलेज में सबसे ज्यादा पहले सनराइज होता है, ठीक है, और उसके बाद सनसेट कहाँ पे होता है, गुजरात यानी सौराष्ट्र में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ऑक टसर इंडस्ट्री, ऑक टसर उद्योग की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, मणिपुर, उड़ीसा, असम या केरला। केरला इज नोन एज स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया, केरला जो है वो किस नाम से जाना जाता है, स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसके नाम से। और अभी आपने अगर कल किसी ने 26 जनवरी की परेड देखी होगी, तो केरला से जो झांकी निकली है उसमें उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया है, केरला की झांकी भी निकली थी कल, केरला की झांकी में किस कल्चर को रिप्रेजेंट किया है,
किस चीज को रिप्रेजेंट किया, जल्दी बताइए। असम इज फेमस फॉर मुग्गा सिल्क, मुग्गा एंड एरी सिल्क। मुग्गा एंड एरी सिल्क के लिए कौन सा उद्योग है, असम है। बिग बॉय ऑयल रिफाइनरी भी यहाँ मिलती है। ब्लैक टी इज ऑल्सो फेमस फॉर असम, असम में सबसे ज्यादा ब्लैक टी है, ठीक है। उसके बाद ओडिशा, टेलकर, टेलकर एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा कोल माइंस मिलती हैं और यहाँ से थर्मल प्रा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, मणिपुर, आंसर इज मणिपुर। हाँ जी, किसने देखी है कल की झांकियाँ, कई क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से और कई चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर आपने वो देखे होंगे जी। हिमांशु चौहान, मुझे कोई मेल नहीं मिली है। आपने कब मेल की, मुझे कोई मेल नहीं आई है, आपने ईमेल आईडी सही दिया था। और स्टूडेंट्स, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेरी, उनसे तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, और अगर कंटेंट अच्छा है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्दी बताइए, मैंने ये नहीं पूछा कि क्या है, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कल किसी ने झांकी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा, आई थिंक कोकोनट का सबसे ज्यादा बताया। मैंने नहीं देखी। देखिए, कल जो झांकियों में बताया, सबसे इम्पोर्टेंट झांकी जो निकली है कल, दैट इज फॉर अयोध्या फर्स्ट। सेकंड, अगर देखा जाए तो कल की झांकियों में पुराना आर्ट एंड कल्चर को ज्यादा रिफ्लेक्ट किया है, तो जैसे केरला में कोकोनट के बारे में ज्यादा बताया। जेओ की थ्योरी क्लासेस, मेरे ख्याल से आप लोग नए हो, जिन्होंने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, थ्योरी क्लासेस हो चुकी हैं कोकोनट, ठीक है। 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं हिमांशु चौहान, मेरे पास नहीं आया, अगर आई होती तो मैं रिप्लाई करती, फिर भी मैं चेक करूंगी। बहुत सारी मेल्स होती हैं, कहीं आपकी नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं हो गई हो। 3 से 4, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं आपका ये सेशन देख लेते हैं फटाफट। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो हमारी डेसिबल जो होता है, ज्यादातर हम नॉइज के लिए यूज करते हैं, और नॉइज से रिलेटेड क्या है आपका, साउंड। क्या है आपका, साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज एल्कोहल, मर्करी, ईथर, वाटर। वाटर एक्ट एज ए कूलेंट, ईथर नहीं है, एल्कोहल नहीं है। सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ लिक्विड इज मर्करी, आंसर इज मर्करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिच इज द सेंसेशन विच डिपेंड्स अपॉन। पिच एक ऐसी सेंसेशन है जो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या वेलोसिटी। तो अगर देखा जाए, पिच जो है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द आवृत्ति सर, यानी आपका फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। और इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना के अंदर। हमारी आईज इमेज कहाँ पे बनाती है, रेटिना के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे इमेज बनती है, रेटिना पे। कैसे बनती है, वर्चुअल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट। तो हमारी जो रेटिना में इमेज बनती है वो रियल बनती है, जैसे हम देख रहे हैं, बट वो बनती कैसे है, उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड। पर जैसे मान लीजिए, हम जो भी हम देख रहे हैं वो सारे हमें उल्टे अक्षर देखते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के पास, एक आई के पास एक ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स आपका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन जो है, ब्रेन का काम है करेक्शन करना। तो जो चीज़ उल्टी है, रेटिना उल्टी इमेज बनाती है, ब्रेन उसको करेक्ट करके हमारे आगे सीधी इमेज रखती है। तो आंसर इज रेटिना रियल एंड इन्वर्टेड बनाती है, बट ब्रेन करेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, नाइक्रोम, लेड या एल्यूमिनियम। जो आपका फिलामेंट है
इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो किसका बना है? एल्यूमिनियम, जिससे हम फॉइल्स बनाते हैं, लेड जो होता है, अगर देखा जाए लेड, हम ज़्यादातर लेड बैटरीज भी होती हैं, और अगर आपका लेड इसमें से भी निकलता है, एंटी नॉकिंग एजेंट का काम भी करता है, नाइक्रोम जो एलॉयज, आपकी कोड ऑफ टोस्टर्स, कोड ऑफ हीटर्स जो हैं वो एलॉयज नाइक्रोम का बना होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब किसका बना होता है? टंगस्टन, जिसका सबसे ज़्यादा हाइएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये आंसर इज टंगस्टन, जिसका सिंबल होता है W। नाउ दिस इज योर करंट अफेयर सेशन। विच कंट्री हैज रिसेंटली रिवील्ड अ ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी? किस देश ने हाल ही में एक मसौदा आर्कटिक नीति का खुलासा किया है? चाइना, USA, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ये जो ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी है, दैट इज रिलेटेड टू द आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन के साथ कनेक्शन है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका क्लाइमेट, उसकी अवेयरनेस, उसकी क्लीनिनेस के बारे में डील किया जाएगा। मतलब क्या उसके मतलब उसमें ये चीज़ समझ लीजिए कि सस्टेनेबल के आर्कटिक रीजन की डेवलपमेंट, उसकी अवेयरनेस, उसके बारे में ये एक ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी बनी है टू मेंटेन द आर्कटिक रीजन। तो किसने बनाई है? आंसर इज इंडिया। किसने बनाई है? इंडिया ने, ठीक है, USA नहीं, आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंसेक्स ऑफ इंडिया हैज क्रॉस्ड विच माइलस्टोन मार्क रिसेंटली? हाल ही में जो अभी हमारा सेंसेक्स है वो बहुत ज्यादा उछला है, जैसे बोलते हैं रेजनेस आई है, सेंसेक्स ऑफ इंडिया। तो सेंसेक्स कितना गया है इस टाइम का? काफी सालों बाद हमारा जो सेंसेक्स है वो बढ़ा है 30,000, 40,000, 50,000 या 75,000। तो इसका सही आंसर आता है 50,000। इसका सही आंसर क्या है? 50,000। एकदम से 2001 में आई थी, उसके बाद अब जो आई है रिफॉर्म, वो सीधा अब आया 2021 जनवरी में, 21 जनवरी को एकदम से ये रेस पे गया 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मीटिंग वॉज रिसेंटली कंडक्टेड अंडर द थीम ऑफ द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म? हाल ही में द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म विषय के तहत कौन बैठक को आयोजित किया गया? ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग, G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, G7 मिनिस्ट्रियल मीटिंग या एशिया कॉपरेशन डायलॉग मिनिस्ट्रियल मीटिंग? ये जो मीटिंग हुई है, ये जो है सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, इसका नाम है एक सेक्रेटरी का, मैं नाम बताती हूँ, रिया नागपाल, आई थिंक रिया गांगुली, रीवा गांगुली। किसने कंडक्ट की है ये, किसने पार्टिसिपेट किया है? दैट इज रीवा गांगुली ऑफ, शी इज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जे शंकर, लेकिन उनकी जो सेक्रेटरी है रीवा गांगुली, उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वर्चुअली। और ये ज़्यादातर ज़्यादा क्या है आपकी कौन सी है, इंडिया पैसिफिक ओशनिक एरिया है, उससे रिलेटेड है। तो ये कौन सी है आपकी? एशिया कॉपरेशन डायलॉग। ये क्या है आपका? एशिया कॉपरेशन डायलॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लम्बैक विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज आर्कियोलॉजिकल सिटी ऑफ विच कंट्री? ये जो लम्बैक है, यह आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या वो बना रहा है, मतलब आप इसको कह सकते हो कि ये किस तरह का एक आर्कियोलॉजिकल सिटी बना रहा है, किस कंट्री में? ब्राज़ील, पेरू, रशिया या फिलिपाइंस? जल्दी बताइए। देखिए ये क्यों बना है, कहा जाता है एक इनका इस एरिया का बहुत पुराना एम्पायर है, दैट इज कॉल्ड इंकान एम्पायर। और कहा जाता है कि आज इस एम्पायर के दो बच्चे मिले हैं, ठीक है, इस साइट पे इनका एम्पायर के जो है बच्चे मिले हैं, जिनमें तो ये कहाँ का है? दैट इज पेरू। और इस एरिया का सबसे पुराना एम्पायर जो इस एरिया में था, लार्जेस्ट प्री कोलंबियन एम्पायर, कौन सा है? इनका एम्पायर। और कहाँ पे है? पेरू में। आंसर इज पेरू।
Next question. Siang River, which was making news with the reference to red panda species, is located in which state? Siang Nadi, जो लाल पांडा प्रजातियों के संदर्भ में खबर बना रही है, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपके सियांग रिवर है, इसमें रेड पांडास, तो दो बेसिक स्पीसीज जो हैं आज हाल ही में मिली हैं, तो ये कौन सी हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या मेघालय? जल्दी बताइए. तो ये कौन सी है आपकी? अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पे दो वेराइटीज, चाइनीज पांडास और आपके ब्राजीलियन पांडास जो हैं यहाँ पे मिले. तो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. लून. इंटरनेट बेलून प्रोजेक्ट इज द इनिशिएटिव ऑफ विच टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जेंट? लून इंटरनेट बेलून प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी जेंट की पहल है? अमेजोन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल? ये एक अमेरिकन बेस्ड इंटरनेशनल कंपनी है जो कि कहाँ पे है, इसको बोला जाता है कैलिफोर्निया में. तो ये जो है, इसने हाल ही में ये जो लून इंटरनेट बैलून प्रोजेक्ट था, इसको बंद करने की कोशिश की है, मतलब इसको बैन कर दिया गया. तो ये किसका था? ये था अल्फाबेट. अल्फाबेट इंक कंपनी जो है, इट्स द अमेरिकन इंटरनेशनल कंपनी जो कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में. अमेजोन नहीं है, अल्फाबेट. आंसर इज अल्फाबेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फतेह वन, विच वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड, इज द इंडिजीनियस रॉक सिस्टम ऑफ विच कंट्री? फतेह एक, जिसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है, किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? यूएई, इजराइल, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? मतलब ये जो फतेह वन है, इस तो कहा जाता है कि ये काफी रेंज तक टेस्ट फायर्ड किया गया है और काफी रेंज दूर तक ये अटैक कर सकती है. ठीक है, हिटिंग टारगेट अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर के टारगेट को ये सीधा हिट करती है, दैट इज अ गाइडेड मिसाइल. और ये कहाँ पे है आपकी? पाकिस्तान में. फतेह से याद कर लेना पाकिस्तान, ये क्वेश्चन आने की है गुंजाइश. जापानीज रिसर्चर्स हैव प्रपोज्ड टू यूज विच मटेरियल टू एलिमिनेट स्पेस जंक? जापानीज ने कौन, मतलब जितना भी स्पेस में जंक है उसको खत्म करने के लिए कौन सी चीज को यूटिलाइज करना शुरू किया है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वुड या सिलिकॉन? और ये जो है, दैट इज द 400 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है, जिसको हम बोलते हैं सुमिटोमो यूनिवर्सिटी. सुमिटोमो फॉरेस्ट्री है 4 साल पुरानी, जिसने ये बोला है कि स्पेस जंक को खत्म करने के लिए क्या है आपका? वुड. आंसर इज वुड एंड इट इज 400 ईयर्स पुरानी है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हिमाचल का, सॉरी आपके इंग्लिश सेशन. तो He could not cut the grass today because the handle of the machine broken down a few days ago has will have shell या had. He could not cut the grass today. Sentence को देख लीजिए, गलत मत करना. He could not cut the grass today. यहाँ पे बात क्या आ रही है? Today की, आज की, कि आज वो घास नहीं काट पाया क्योंकि handle जो था मशीन का वो कुछ दिन पहले टूट गया था. यानी एक्शन आज का भी है और पिछला भी है. तो ये एक्शन आज भी हो रहा है और पिछला भी है, तो ये कौन सा एक्शन है? द परफेक्ट टेंस. बट कौन सा? आज हो रहा है ना, तो आज का टेंस कौन सा आता? प्रेजेंट और पिछला. तो ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये कौन सा आएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो has, had, will have, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. फिर से कह रही हूं, एक चीज याद कीजिए कि आपका करंट had previous years days, यानी आपके टूट चुका है. तो had या has, क्योंकि टूडे यहां पे एक चीज बताई गई है, एक वर्ड यूज किया गया है टूडे, मतलब आज की बात हो रही है. आज की बात में मतलब अगर होता है तो ही कुड नॉट कट द ग्रास, ठीक है, आज नहीं काट पाया क्योंकि टूट गया था. हार्ड या हैज,
फिर से सोच लीजिए, हार्ट ब्रोकन वैसे तो देखा जाए टूट गया है, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट नहीं, टूट गया, पिछले कुछ दिनों में टूट गया, तो यहाँ पे आएगा हैज, इसका सही आंसर आएगा हैज ब्रोकन डाउन, प्रीवियस फ्यू डेज अगो हैज ब्रोकन, क्योंकि आज की बात भी हो रही है, एक्शन आज भी हुआ है और पिछला भी चल रहा है, तो जो बीत गया लेकिन आज का एक्शन चल रहा है, एक्शन जो आज का और थोड़ा सा बीत गया की बात चल रही है, तब आपका आता है प्रेजेंट, और जब एक्शन हो चुका होता है तब आता है पास्ट परफेक्ट, ये याद रखना। एंटोनिम्स ऑफ वर्ड इरवोकेबल, इरवोकेबल होता है स्थिर, फिक्स्ड, तो सॉलिड, फास्ट, ट्रांजिशनल या इंटरप्शन, यस हैड तो पास्ट परफेक्ट में आता है, तो इसका सही आंसर होगा, अगर इरवोकेबल है फिक्स्ड तो चलता रहता क्या होएगा आपका, ट्रांजिशनल, जो हिलता रहता है, ट्रांजिशन स्थिर नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर इज ट्रांजिशनल। मीनिंग ऑफ द idiom टू स्टिक टू वन कलर्स इज टू रिफ्यूज टू हिल, टू बी पेट्रियाटिक, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी नोटोरियस, शरारती होना, देशभक्त होना, सीधी बात करना, या टू रिफ्यूज टू यील्ड, मतलब सीधा किया भी है और सीधा मुकर भी गए, तो आंसर इज टू रिफ्यूज टू यील्ड। कई लोग होते हैं ऐसे कि आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, कई लोग ऐसे होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा मुंह पे, चाहे उसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे सीधे मुंह पे बोलते हैं, कई करते भी हैं और मना भी कर देते हैं, तो आप में से कितने कैंडिडेट्स होंगे जो ये चीज करते होंगे, टू रिफ्यूज टू यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका आंसर, शुद्ध शब्द उर्मी, उर्मी, उर्मी या उर्मी, तो इसका सही आंसर होगा सी, सी। यौगिक शब्द क्या है, नल, ये तो रूढ़ शब्द है, गविश, सदाचार, क्योंकि सदा प्लस आचार यानी आपका सदाचार दो वर्ड से बना है, तो युधिष्ठिर, यौगिक शब्द होते हैं जो दो या दो वर्ड से बनता है, तो आंसर इज सदाचार, सदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निडर कौन सा समास है, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष, तो निडर जो है वो है आपका तत्पुरुष, आंसर इज तत्पुरुष। युधिष्ठिर नहीं होगा, सदाचार, यस। तो आज का सेशन आफ्टर टू डेज वीक हॉलीडेज, अगर आप मान के चलिए तीन दिन बाद ये क्लास लगी है, आपको ये क्लास कैसी लगी और कैसे लगे क्वेश्चंस आज के, जल्द से जल्द बताइए कैसे लगे आज, और आज की क्लास जो है कंप्यूटर्स की, आज से जो है हम बेस एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं, थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब जो भी होगा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, तो एमसीक्यूज जो है हम फिर से बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स लेकर चल रहे हैं, टर्न बाय टर्न स्टेप लेंगे, बेसिक का जैसे बोल सकते हैं बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर बहुत लीस्ट ईजी होंगे, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगा, बट आज क्वेश्चंस नए हैं, आपको आते भी होंगे, पर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर मैंने सीधा थंबनेल पे लिखा है, आज से बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कल हम कुछ मेमोरी पे, कुछ डिवाइसेस पे, इस तरह से क्वेश्चंस पेपर पे कैसे आते हैं, तो उस क्लास को देखना ना भूलना। तो अहांशु नरयाल, अगर देखा जाए बहुव्रीहि समास या अव्ययी या द्वंद, बहुव्रीहि अगर समास की बात करनी है तो मैं हिंदी इतनी पर्टिकुलर नहीं ले सकती, आपके अभिषेक सर हैं, आप उनसे एक बार हिंदी की क्लास में पूछ लेना, बहुव्रीहि अव्ययी या द्वंद, बहुव्रीहि इतना नहीं मैं कह सकती, बट द्वंद का मुझे थोड़ा आइडिया, हिंदी में इतना पर्टिकुलरली नहीं, एक बार पढ़ूंगी तो आपको समझा सकती हूँ, बट इट्स वेरी इजी टू आस्क फ्रॉम अभिषेक सर, ठीक है जी, ठीक है मैं चेक कर लूँगी। तो आज के लिए जो है इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे 5 मिनट बाद आपकी कंप्यूटर की क्लास में, उस क्लास में आना मत भूलना, अगर कोई डाउट लगेगा और एक डाउट क्वेश्चन है जिसको हमने क्लियर करना है, ठीक है। तो आज के लिए सो हो गया।